दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद है आप सब अच्छे सुनिए दोस्तों एक छोटी सी वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि मैं अवध विश्वविद्यालय बी एड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ बी एड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने अपने सेकेंड पेपर साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट अधिगम का विकास एवं मनोविज्ञान के फर्स्ट यूनिट के यह तीन पॉइंट पढ़ लिए हैं या नहीं आपने एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दी है और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने पहला पॉइंट शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान के अर्थ क्या होती है शैक्षिक मनोविज्ञान का परिभाषा क्या होता है शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति और शैक्षिक मनोविज्ञान का विशेषता क्या होता है और शैक्षिक मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है क्या आप अपने इस टॉपिक को कवर अप कर लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम इंग्लिश की में बात करें कि व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी मनोविज्ञानिक ने शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया परिभाषा किया एंड वट आर द कैरेक्ट्रिस्टिक्स नेचर एंड वाई एजुकेशन साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर क्या आपने इन सारे पॉइंट्स को कवरअप कर लिया दोस्तों अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आज मैं चाहता हूं कि बीएड फर्स्ट ईयर वाले अपने सेकेंड पेपर के फर्स्ट यूनिट को कंप्लीटली ख़त्म करें और इन सारे पॉइंट्स की वीडियो यहां पे बनी गई है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लीज़ आप इस पॉइंट को कवर अप करिए और ख़त्म करिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट यूनिट की हम दूसरी बात करें विकास की परंपरागत अवस्थाएं और उनकी विशेषताएं मतलब विकास की जो अवस्थाएं हैं उनकी विशेषताएं अगर हम बात करें शैस्यावस्था बाल्यावस्था और किशोरावस्था अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इन फैंसी और टीन क्या आपने इन अवस्थाओं के कैरेक्ट्रिस्टिक्स पढ़ लिए और इन अवस्थाओं की अवधि क्या होती है एज क्या होता है कौन कब से कब तक वर्ष के बच्चों को शासवस्था बाल्यावस्था और किशोरावस्था में गिना जाता है क्या आपने इनकी विशेषताएं पढ़ ली है कि इस उम्र में ये बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इन दोनों पॉइंट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट संज्ञान किसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास क्या होता है और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या दिया है दोस्तों यह तीन पॉइंट फर्स्ट यूनिट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप पिछले चार या पाँच साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो कम से कम पंद्रह से पच्चीस नंबर तक के प्रश्न इन्हीं तीन पॉइंट से आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वर्ष एग्जाम देने वाले बच्चों ने यह तीनों पॉइंट्स कवर अप कर लिया हो गया दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में तीन वीडियोज़ के लिंक मिलेंगे वीडियो नंबर वन जिसमें यह बताया गया है कि सचोक मनोविज्ञान की पूरी चीज़ें है कि सचों मनोविज्ञान होता क्या है इसकी परिभाषा क्या होती है इसकी विशेषता क्या होती है इसके बारे में बात किया गया है और यह तीन वीडियो जिसमें विकास की परंपरागत अवस्थाएं और उनकी विशेषताएँ शस्यावस्था बाल्य अवस्था और किशोरावस्था के बारे में बताया गया है और ये लास्ट बट नॉर्थ दिल्ली संज्ञान किसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास क्या होता है और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में कौन से सिद्धांत दिए थे और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो चार अवस्थाएं बताई थी वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और उसमें बच्चे का विकास संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों वीडियोस अगर आप मेरे वीडियोस से नहीं पढ़ना चाहते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कहीं से पढ़िए किसी से भी पढ़िए लेकिन प्लीज़ आज ही के आज यह तीनों टॉपिक को ख़त्म करिए और फर्स्ट यूनिट को ख़त्म करिए पाँच दिन में पाँच यूनिट यानी कि सेकेंड पेपर को ख़त्म करना है दोस्तों एग्ज़ाम्स के टाइम टेबल रिलीज होने से पहले मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहें और हाँ अगर आप ये तीनों चीज़ें कवर अप करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए फिर हम बात करेंगे सेकंड यूनिट की दूसरे यूनिट की कि उसमें क्या पढ़ना है और बात करेंगे उसके कौन कौन से वीडियो है। तो प्लीज आप जैसे ही ये तीनों पॉइंट खत्म करते हैं मैं फिर से बार-बार इसलिए रिपीट कर रहा और तीसरा संगनात्मक विकास और जीन का विकास का ये तीनों पॉइंट कवर अप करिए खत्म करिए नोट्स बनाइए उसको समझ जाइए याद बिल्कुल रटना बिल्कुल नहीं है समझ जाइए और प्लीज कमेंट में अपनी राय दें अगर आपने ये तीनों कवर अप कर लिया तो वेल एंड गुड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट लेकिन नहीं किया है तो इन तीनों वीडियो को देखिए खत्म करिए फिर हम बात करेंगे दूसरे वीडियो की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को वीडियो को दूसरे तक शेयर करें और हाँ कमेंट में जा, राय जरूर दें अपनी कि मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं ताकि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ और आपकी और हेल्प करूँ तो तैयार रहिए दूसरे वीडियो के लिए दूसरे यूनिट पर बात करने के लिए लेकिन उससे पहले आपकी यह जिम्मेदारी कि आप इन तीनों पॉइंट को ख़त्म करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जय भारत दोस्तों